बॉलीवुड में साउथ सिनेमा अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। कई फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही हैं। इसकी वजह साउथ सिनेमा की ओर बढ़ती आम लोगों की दिलचस्पी है। इस लिस्ट में हम उन 10 साउथ फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है। इस लिस्ट में हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा का भी नाम जुड़ गया है। साल 2017 में रिलीज हुई SS राजामौली की फिल्म बाहुबली इस लिस्ट में टॉप पर है। प्रभास और अनुष्का शेट्टी की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से कुल 1351 करोड़ रुपए की कमाई की। ये आज तक की सबसे बड़ी इंडियन ग्रॉसर फिल्म है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने देश के सिनेमाघरों से कुल 507.50 करोड़ रुपए कमाए थे। साल 2015 में रिलीज हुई SS राजामौली की फिल्म बाहुबली की पहली कड़ी को भी दर्शकों से खूब प्यार मिला। प्रभास और अनुष्का की इस फिल्म ने थिएटर से 482 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुपरस्टार प्रभास की ये दूसरी फिल्म है जो इस लिस्ट में शुमार हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साहो की। साल 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से कुल 339 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो प्रभास की 3 फिल्में इस लिस्ट में शामिल हो गई। अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की फिल्म अला वेंकुट पुरमलो ने देश भर से कुल 226.70 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा भी बम्पर कमाई कर रही है। अभी तक ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों से कुल 223 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। ये फिल्म जल्द ही अल्लू अर्जुन की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन सकती है। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF ने भी सिल्वर स्क्रीन पर बम्पर कमाई करते हुए पूरे भारत से कुल 221.50 करोड़ रुपए बटोरे थे। इसी के साथ ये 7वें नंबर पर है। ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत की फिल्म रोबोट ने देश भर से कुल 218 करोड़ बटोरे थे। फिल्म को तमिल भाषा में एथिरन नाम से रिलीज किया गया था। ये इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है। वहीं थालापति विजय और विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर ने ऑल ओवर इंडिया से कुल 209.50 करोड़ रुपए कमाए थे। वो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। वहीं थालापति विजय की फिल्म बिगिल इस लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर है। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से कुल 209 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं हुई थी। फिल्म ने सिर्फ तमिल भाषा में ही इतनी रकम बटोरी थी। तो ये थी साउथ स्टार्स की वो पैन इंडिया फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। और अब पुष्पा ने भी इस लिस्ट में एंट्री कर हर किसी को हैरान कर दिया है, वो भी तब जब देश में कोरोना जैसे हालात हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि पुष्पा का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।